ऑल राइट गाइज, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। पीवाईक्यू एनालिसिस का ये तीसरा वीडियो है। हम 68 बीपीएससी प्रीलिम्स में जो सवाल पूछा गया था बिहार रिलेटेड, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे इकोनॉमी का हो, चाहे करंट अफेयर्स का हो, उसको हम लोग देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सवाल को पकड़ के हम कैसे समझ सकते हैं कि उससे अगले सवाल को प्रेडिक्ट कर सकें और किस तरह से सवालों को तैयार करें कि जो एग्ज़ाम में आए और हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। पीवाईक्यू का आया हुआ सवाल को बीच में रखना है, उसके इर्द गिर्द चारों तरफ घूमना है और सवालों को तैयार करना है, ठीक है। तो ये है पहला सवाल, बिहार में लोएस्ट फीमेल वर्कफोर्स, ठीक है। तो ये सेंसस का सवाल है, सेंसस को तैयार करना, ये हमने पिछले वीडियो में भी तय किया था, पिछले वीडियो में भी देखा था। मैक्सिमम नंबर ऑफ टैक्स इंडस्ट्रीज इन विच डिस्ट्रिक्ट, वैसे तो टफ सवाल है बट इसको मतलब ये टफ कैटेगरी में ही रहेगा भाई, कि मतलब ये इसको कौन इतना याद करके रखता है, ठीक है। तो इस सवाल को चलिए ये टफ कैटेगरी में डाल के इसको छोड़ते हैं। सेक्स रेशियो ऑफ बिहार किसके हिसाब से पूछा गया है, नेशनल फैमिली सर्वे 5। देखिए पिछले यानी कि जब हम 67 का डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे ये बात किए थे कि सेंसस 2011 सिर्फ नहीं करना है, नेशनल फैमिली सर्वे 5th जो हुआ है इसको भी करना है। और ये देखिए 69th में ये सवाल आया हुआ है। तो यही है पीवाईक्यू एनालिसिस करने का तरीका, यही अगर किसी ने 68th में आया हुआ है, 67th में सेंसस से सवाल आया तो दिमाग लगाना था कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 5वां राउंड हुआ है उसको पढ़ना है, उससे इम्पॉर्टेंट 5-6 फैक्ट 7 फैक्ट याद कर लेना है। चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है, ओवरऑल सेक्स रेशियो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, फर्टिलिटी रेट क्या है, ठीक है, ये सब तैयार कर लेना था। इंडिया का भी और बिहार का भी दोनों पूछा जा सकता था, ठीक है। तो ये बात है, तो 68 में ये सवाल बन जाता। बिहार इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे को तो बस एक शीट में बनाइए, इकोनॉमिक सर्वे का इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ बताया गया सब लिख लीजिए, दूसरे साइड में बजट का लिख लीजिए, 1-2 पेज में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों को तैयार कीजिए और 2 सवाल आप अपना पक्का कर लीजिए। सेंसस को ऐड कर दीजिए तो 3 हो गया, गांधी जी को ऐड कर दीजिए तो 4 हुआ, चंपारण को ऐड कीजिए 5 हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट को ऐड कीजिए 6 हुआ, 1857 ऐड कीजिए 8 हो गया। इस तरह से आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा पूछा जाता है उसको ऐड करते जाइए और देखिए कि आपका 10-12 सवाल, 15-20 सवाल तो इसी तरह से बन जाएगा। बिहार इकोनॉमी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट बिहार इकोनॉमी, ठीक है। तो बिहार इकोनॉमी के बारे में ये सवाल पूछा गया है, तो ये मतलब कि बेसिक स्टैटिक से सवाल पूछा गया है करंट अफेयर्स को उसमें मिला के। चलिए इधर देखते हैं, साल्ट सत्याग्रह इन बिहार हो गया। तो ड्यूरिंग साल्ट सत्याग्रह इन बिहार एडिशन टू मेकिंग सॉल्ट द पीपल चूज टू अपोज द गवर्नमेंट बाय अपोजिंग विच टैक्स। तो बिहार में तो देखिए समंदर है नहीं, बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, तो लैंडलॉक्ड स्टेट था तो यहाँ पे क्या है भाई, बहुत से बहुत गंगा नदी है तो वहाँ पे नमक तो हम लोग बनाते नहीं है, लेकिन नमक सत्याग्रह तो चल रहा है गांधी जी के द्वारा, तो इसका क्या, इसको हम बिहार में कैसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो नमक के जगह किसी और चीज़ का हम विरोध करेंगे, कोई और टैक्स का विरोध करेंगे, बेसिकली टैक्स का विरोध करना था। तो ये पढ़ने का तरीका होता है कि देखिए अगर आप सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट पढ़ रहे हैं या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ रहे हैं, सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट क्या है, ठीक है, क्यों हुआ था, कब हुआ था, लीडर कौन थे, आउटकम क्या रहा, ठीक है, उसी तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का भी, ठीक। अब इसमें क्या करना है कि इसमें बिहार का क्या रोल रहा, बिहार में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, कोई घटना हुई, क्या इंपॉर्टेंट लीडर थे पर्सनालिटी इससे रिलेटेड, ठीक है, सारे मूवमेंट से, ठीक है, टैक्स वगैरह रिलेटेड या कोई नेशनल कॉलेज खोला गया, नेशनल स्कूल खोला गया है, तो इन सब चीज़ों को आप उसी पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, उस जब भी आप इन सब चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे तो ये ध्यान में रखेंगे कि ये पूछा जा सकता है, ठीक है। द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार फाउंड बाय श्री कृष्ण सिंह इज रिजाइंड इन फरवरी, देखिए तो अब जो बिहार का जो इलेक्टेड गवर्नमेंट था 1937 में जो इलेक्शन होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, ठीक है, साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे, जिसका कि बहुत विरोध भी हुआ था, इसके बेसिस पे फिर चुनाव होता है, उस चुनाव में बिहार में कांग्रेस की सरकार बनती है, सरकार के प्रधानमंत्री यानी कि मुखिया, उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो वो श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है, लेकिन ये सरकार फिर रिजाइन कर देती है,
ठीक है, तो रिज़ाइन क्यों करती है, किस बेसिस पे करती है? तो देखिए, सवाल तैयार करने का तरीका क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो आपको मालूम है, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिए, किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे था, क्या इसका बेसिक, इसमें क्या क्या चीज़ें थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ठीक है, इलेक्शन हुआ तो बिहार में कौन जीता ये भी देख लेना है कि मेन अपोजिशन पार्टी कौन था, ठीक है, जो पार्टी जीता है उसके लीडर कौन थे, ठीक है, क्या पोर्टफोलियो था, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, इस तरह से देख लेना है, ठीक है, और अगर सरकार ने रिज़ाइन किया है तो किस इशू पर रिज़ाइन किया है, सरकार चल रही थी तो कैसे चल रही थी, तो इन इस पूरे कहानी को ध्यान में रखना है। जब भी आप जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो इसको इस तरह से कहानी की तरह, इसको एकदम जैसे एक माला में मोती को पिरो दिया जाता है ना, अलग अलग मोती होता है उसको पिरो देते हैं तो माला बन जाता है, तो उस तरह से पूरे फैक्ट्स को, फैक्ट्स क्या है, मोती है, पूरे फैक्ट्स को जमा कीजिए सबको और पिरो दीजिए। एग्जाम में क्या होगा, कभी ये मोती पूछेगा, कभी ये मोती पूछेगा, कभी ये पूछेगा, कभी ये पूछेगा, और आप अगर माला में मोती पिरो चुके हैं तो आपके हाथ में पूरा माला है, आपसे कोई भी मोती पूछ ले निकालिएगा, दे दीजिएगा, लो भाई ये चाहिए ले लो, ये चाहिए ले लो, ये हिसाब किताब रखना है। हु सेव्ड द लाइफ ऑफ गांधी जी इन बिहार, ठीक है, ये टफ क्वेश्चन था, शायद विधानसभा में इनके बारे में चर्चा हुई थी, ठीक है, तो इसलिए सवाल आया, लेकिन अगर आप पढ़ने लिखने के शौकीन हैं तो जब आप पढ़ेंगे तो इनकी चर्चा आपको मिल जाती है। वैसे ये टफ क्वेश्चन था तो सबके लिए था, तो ये अगर आप नहीं भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे लेसन हमको क्या मिलता है, लेसन ये मिलता है कि बना बनाए परिपाटी पे सिर्फ फैक्ट रटते रटते नहीं चलना है, वही जो अभी हमने बात किया, माला बनाइए मोती पिरोइए, ठीक है। गांधी जी जब चंपारण जा रहे थे, रास्ते में इनको एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रोका गया, ये भी कहानी है, तो रोका गया तो कैसे रोका गया, गांधी जी गए थे तो पहली बार किस आश्रम में रहे थे, है ना, गांधी जी चंपारण में रह के और बाकी क्या क्या काम किए, स्कूल खोला इन्होंने, ठीक है, आश्रम खोला इन्होंने, गांधी जी चंपारण में रहे तो क्या खादी के लिए भी कोई काम किया था, गांधी जी चंपारण में रहे तो क्या कोई किताब वगैरह भी लिखा था इन्होंने, कोई जो जो लीडर्स इनके साथ थे, इनके कंपेनियन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, उनके अलावा और जो भी थे, जे बी कृपलानी थे, मजहरुल हक थे, तो इन सब का नाम पता होना चाहिए। इसके अलावा इस कहानी में जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है कि कोर्ट में गए तो गांधी जी ने क्या बोला कोर्ट में, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, देखिए सिर्फ प्रीलिम्स निकालना अपना मकसद नहीं है, अपना मकसद है मेंस भी पास करना है और इंटरव्यू भी पास करना है। अब मेंस में देखिए क्या है, एक तो कि हिस्ट्री से सवाल आता है, और अगर इस तरह की कहानी आपको पता है तो आप वहाँ पे लिख पाएंगे, ठीक है, रिलेट करके, हालांकि उसमें तो टू द पॉइंट लिखना है, बट जो ऐसे इंट्रोड्यूस किया गया है बीपीएससी में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये सिलेक्शन को डिसाइड करने वाला है, तो ऐसे लिखने के लिए ये सब कहानी बहुत ज़रूरी है। ये कहानी अगर आपको पता है तो आपका ऐसे आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे लिखा कैसे जाता है ये हम लोग प्रीलिम्स के बाद जब मेंस की तैयारी करेंगे उस समय देखेंगे, ठीक है। हु लेड द कल्टिवेटर्स इन बिहार, देखिए पीजेंट मूवमेंट आ गया, हमने क्या बात किया था कि ट्राइबल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट तो हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, ट्राइबल मूवमेंट पर भी ध्यान देना है, पीजेंट मूवमेंट पर भी ध्यान देना है, लेबर मूवमेंट पर भी ध्यान देना है, ठीक है। कैसे ध्यान देना है, ट्राइबल मूवमेंट कौन सा हुआ था, ट्राइबल मूवमेंट कहाँ हुआ था, किस साल हुआ था, लीडर कौन था, इसका आउटकम क्या रहा, क्या गवर्नमेंट ने कोई रिफॉर्म वफॉर्म वगैरह निकाल के लाया था, और ट्राइबल मूवमेंट को दबाने में कौन सा अंग्रेज लीडरशिप के पोजीशन पे रहा था, तो ये 5-6 फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। चाहे वो संथाल रिवोल्ट हो, चाहे वो कोल म्यूटनी हो, चाहे बिरसा मुंडा रिवोल्ट हो, आपको कांड रिवोल्ट हो, सन्यासी रिवोल्ट हो, ये सब आपको इसी तरह से याद रखना है। तो जब आप इस तरह से याद रखेंगे तो याद करना भी आसान रहेगा, दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहेगा, और सवाल भी उससे आते रहेंगे आपके पास घूम फिर के। पी बाई क्यू एनालाइज करने का मकसद क्या है, मकसद यही है ना कि हमें पता चल सके कि जो सवाल आते हैं वो क्यों आते हैं, किस तरह से आते हैं। स्वराज दल बनाया गया, देख लीजिए किसके द्वारा बनाया गया था, तो देखिए नेशनल मूवमेंट चल रहा है तो इस तरह का छोटा छोटा इंसिडेंट बहुत सारा होते रहेगा, ठीक है। जैसे चौरी चौरा का कांड हो गया था नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय, तो चौरी चौरा सिर्फ मत पढ़िए, चौरी चौरा है तो चौरी चौरा के बारे में देख लीजिए कि भाई कहाँ पे हुआ था, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ, किसके लीडरशिप में हुआ था, क्यों हो गया था, रीज़न क्या था, किस
चीज़ के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया तैयार करने का तरीका। चौरी चौरा में अगर डीप में घुस के ये पूछ दिया कि कौन सा मेन लीडर था या किस इशू पे हुआ था, तो सबको टफ लगेगा। लेकिन अगर आपने पी वाई क्यू एनालाइज किया और ये चार पांच फैक्ट चौरी चौरा पे तैयार कर लिया है, तो आप उस सवाल को नहीं छोड़ेंगे। तो उसी तरह से है, आज़ाद दस्ता बनाया गया, कहाँ बनाया गया, किसके लीडरशिप में बनाया गया, क्यों बनाया गया, बैकग्राउंड क्या था, बस हो गया। जयप्रकाश नारायण के अलावा और कौन कौन से लीडर थे उसमें, इनका काम करने का क्या तरीका था, और क्या कोई लिटरेचर भी इन्होंने निकाला था, कोई किताब या कोई जनरल इन्होंने अपने आइडिया को, आइडियोलॉजी को प्रसारित करने के लिए निकाला था, हो गया ये। अब इसी से सवाल आएगा, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता है। तो स्वराज दल है, स्वराज दल के बारे में पढ़ लेना है और फैक्ट्स तैयार कर लेना है, ठीक है। हुमायूं दैट हु अमंग द फॉलोइंग मेड एन ऑफर टू हुमायूं दैट ही वुड सरेंडर बिहार एंड पे एन एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ 10 लाख दिनार्स इफ ही वुड अलाउ टू रिटेन बंगाल, ठीक ना। ये किसने बोला, एंशियंट सॉरी मिडीवियल जब आप पढ़ेंगे तो हुमायूं और शेर शाह का टसल आपको मिलेगा, ठीक है। तो हुमायूं और शेर शाह का जो टसल चल रहा है, उस टसल का एक एक चीज बारीकी से तैयार कर लीजिए। और बारीकी से कहने का मतलब ये नहीं है कि थेसिस करना है, उसमें पीएचडी करना है, यार कुल मिला के 15 फैक्ट होंगे। हुमायूं और शेरशाह का भिड़ंत कब कब हुआ था, जीता कौन, ठीक है, दोनों के बीच में क्या कोई एग्रीमेंट हुआ है, कोई चिट्ठी का आदान प्रदान हुआ है, वो देख लेना है। इसके अलावा हुमायूं तो बहुत ज़्यादा काम कर नहीं पाया था, शेरशाह सूरी ने क्या क्या काम किया है, ठीक है, बिहार में क्या क्या काम किया, दिल्ली में जाके क्या काम किया, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है, शेरशाह सूरी का जुडिशल रिफॉर्म क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्या था, ये सब चीज़ें देख लेना है, ठीक है। और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, बस इतना 20-25 फैक्ट, और इससे एक दो सवाल घूम फिर के आना ही आना है। आप पिछला पी वाई क्यू का एनालिसिस भी देख लीजिए, उसमें भी यही बात मैं बोल रहा हूँ। विक्रम सुल्ला यूनिवर्सिटी किसने इस्टेब्लिश किया था, अब देखिए यूनिवर्सिटी कितना इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। हम क्या बोलते हैं कि यार बिहार में और IIT खुल जाता, बिहार में IIM खुल जाता, IIT तो खुल गया, IIM खुल जाता, PMCH है तो एम्स खुल जाता, तो एम्स भी खुल गया और बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूशंस खुल जाता। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो होता है ना, वो हमारा इंटेलेक्चुअल ब्रेन का गढ़ होता है, ठीक है। वहीं से डिसाइड होता है कि आने वाले भविष्य में हमारे स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं। यूनिवर्सिटी जितना अच्छा होता है, उतना हमारा फ्यूचर अच्छा होता है, ठीक है। तो अब आप पुराने जमाने का सोच के देख लीजिए, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उदांतपुरी यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि सब पे 5-5, 10-10 जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसने इस्टेब्लिश किया, किसने गांव दिया, कौन कौन यहाँ पे मेन चाइनीज ट्रेवलर पढ़ने के लिए आया था, या कौन कौन मुख्य पर्सनालिटीज़ ने यहाँ पे पढ़ाई की थी, बिहार के किस एरिया में है या देश के किस एरिया में। एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप 5-7 फैक्ट तैयार करेंगे, 4 यूनिवर्सिटी है, लगभग आपके पास 25-30 फैक्ट तैयार होंगे। तो 25-30 फैक्ट तैयार हैं और एक सवाल आपका डन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, पहला गवर्नर ऑफ बिहार कौन था, ठीक है। स्टैटिक का क्वेश्चन है, रटना है और सही करना है। हु वाज द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस, ठीक है। तो देखिए हम पिछले वीडियो में हमने क्या बोला, राजेंद्र प्रसाद है, इनके बारे में 10 फैक्ट तैयार कर लेना है। अगेन मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, क्या तैयार करना है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ पे हुआ था, क्या पढ़ाई की थी, कहाँ वकालत करते थे, कब वकालत उन्होंने छोड़ा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या रोल था, चंपारण मूवमेंट में वो उनका क्या रोल था, थे या नहीं थे, ठीक है। उसके अलावा पूरे नेशनल मूवमेंट में क्या रोल रहा, क्या कभी कांग्रेस का प्रेसिडेंटशिप उन्होंने किया था, कांग्रेस में कोई इंपॉर्टेंट रोल रहा उनका किसी डिसीजन को लेने में, जैसे मोती नेहरू रिपोर्ट आता है, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आता है, ये सब, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इनका क्या रोल रहा था, इन्होंने कौन सा किताब लिखा है, ठीक है, ये मैंने बोला था। अब देखिए इसी के इर्द गिर्द सारा सवाल आएगा, सेम इसी तरह से जो आपने राजेंद्र प्रसाद के लिए तैयार किया, वैसे आप जेपी नारायण के लिए तैयार कर लीजिए, वैसे आप कर्पूरी ठाकुर के लिए तैयार कर लीजिए, इसी से सवाल आएंगे। ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। ओल्डेस्ट चर्च इन बिहार, ठीक है, कौन सा है, तो जब चर्च इन बिहार ओल्डेस्ट पूछ दिया तो ओल्डेस्ट मस्जिद इन बिहार पूछ देगा, ठीक है, ओल्डेस्ट टेम्पल इन बिहार पूछ सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को तैयार करना है, ठीक है। कुमुदलाल गांगुली, ठीक है, अब बिहार के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अशोक कुमार का जन्म जो है भागलपुर में हुआ था, ठीक है। तो कुमुदलाल गांगुली कौन है वो आपको पढ़ लेना है, देख लेना है। द एरिया ऑफ साउथ ऑफ गंगा उसको क्या बोला जाता है, अनर्था बोला जाता है, तक्षशिला बोला जाता है, चोला बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है,
एंशियंट हिस्ट्री का पूरा कवर किया गया है, वीडियो को जाइए देख लीजिए। मगध को किस किस अलग अलग नाम से जाना जाता था, कीकट के नाम से जाना जाता था, ब्रात्य के नाम से जाना जाता था, अनारे के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये आपको तैयार कर लेना है, इसमें से एक सवाल आ गया। चलिए इसके अलावा और देखते हैं, पटना विमेंस कॉलेज के बारे में पूछा गया कब स्टैब्लिश हुआ है, तो देखिए ना भाई, पटना हाई कोर्ट के बारे में आप देख लीजिए, पटना विमेंस कॉलेज के बारे में आप देख लीजिए, मगध यूनिवर्सिटी के बारे में देख लीजिए, ये सब चीज़ें आप देख लीजिए, इनमें से कोई ना कोई एक आ जाएगा। और जब आ जाएगा तो लगेगा कि अरे भाई इस कितना पढ़ेगा कितना रटेगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है पटना विमेंस कॉलेज है, क्यों नहीं पढ़िएगा आप इसके बारे में। पटना में अगर कोई ओल्डेस्ट चर्च है क्यों नहीं पढ़िएगा, पहला फैक्ट्री किसने लगाया था पटना में क्यों नहीं पढ़िएगा, पहला फैक्ट्री कहाँ पे लगाया था क्यों नहीं जानना चाहिए आपको, बिल्कुल जानना चाहिए। अगर ये सारे फैक्ट्स को आप जमा कीजिएगा ना, तो एक से दो पेज में सब फैक्ट जमा हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, पहला मीटिंग कब हुआ था, उसका अध्यक्षता किसने किया था, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली बना, नंबर ऑफ सीट्स कितना है, शेड्यूल कास्ट के लिए कितना रिजर्व है, शेड्यूल ट्राइब लिए कितना रिजर्व्ड है, नॉमिनेटेड कितना है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में अभी लीडर कौन है, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, और अभी आसन पे कौन बैठते हैं, यानी कि स्पीकर कौन है, सेम लेजिस्लेटिव काउंसलिंग के लिए तैयार कर लीजिए। इतना ही तो करना है भाई, इसके अलावा और क्या करना है। इससे रिलेटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को आप पढ़ लीजिए, ठीक है, बजट का क्या आर्टिकल रहता है ये पढ़ लीजिए, यही तो तरीका है पढ़ाई करने का। अगर इस तरीके से आप नहीं चल रहे हैं तो आप ज़्यादा फैक्ट्स जमा कीजिएगा, ज़्यादा पढ़िएगा, और परेशान रहिएगा, और एग्जाम निकालना कठिन हो जाएगा। फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन बिहार, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था, क्योंकि दरभंगा लोग जानते थे, बट दिलवारपुर या कदीराबाद या जमालपुर ये हमें नहीं पता था, ये काफ़ी टफ था, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे, देखिए सवाल आ गया, इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से करना है। नीति आयोग का SDG आ गया, नीति आयोग का जो भी रिपोर्ट है, ठीक है, एक तो वो याद रख लेना है, 5-6 रिपोर्ट की, नीति आयोग क्या क्या रिपोर्ट इशू करता है और उसमें बिहार का क्या स्थिति है ये देख लेना है आपको, ठीक है। यहाँ पर ये पूछ दिया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या स्कोर है बिहार का, ये 67th में पूछा गया था, ठीक है। तो अगर 67 से अगर आपने दिमाग लगाया होता तो 68th में भी आपका ये सवाल बनता। ज्योग्राफिकल GI टैग इसको मिला है, ये तो आसान क्वेश्चन है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, देखिए यही मैं कहता हूँ, बिहार में BPSC की तैयारी के लिए जो मटेरियल्स अवेलेबल हैं वो सारा क्या है, कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट में दिक्कत नहीं है, सारे जगह हो रहा है और होना भी चाहिए, ठीक है, एक ही काम को दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इशू ये है कि आँख बंद करके कॉपी पेस्ट किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि कॉपी करते हैं बट दावा क्या करते हैं कि नहीं नहीं हमने ये तैयार किया है, हमारा बनाया हुआ मटेरियल है, हम बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, हम इतना बढ़िया पढ़ाते हैं कि हमारे यहाँ से तो बस भाई IAS IPS ही निकलेंगे, BPSC तो छोड़ ही दीजिए, BPSC तो UPSC के सामने छोटा चीज़ हो गया। अब देखिए ये जो लंगट सिंह कॉलेज वाला जो क्वेश्चन था, ये क्या था, फेक न्यूज़ था, ठीक है। और आप उठा के देख लीजिए, जो सबसे फेमस मैगजीन है, नाम नहीं लूँगा मैं उसका, जो सबसे फेमस मैगजीन है, ठीक है, उस मैगजीन में ये दिया हुआ था, ठीक है। अब आप बताइए, तो इसलिए मैं कहता हूं कि PYQ और सिलेबस रट जाइए और इसको इस तरह से एनालाइज कीजिए, इसको इस तरह से समझिए कि आप पहले से इतना मटेरियल तैयार कर लीजिए अपने लिए कि उसके बाहर जो है BPSC सवाल पूछ ही नहीं सकता है। आपको 150 में 100 नंबर लाना आपके लिए एकदम केक वॉक हो, आसान काम हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बिहार का रैंक पूछ लिया है, ठीक है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में करंट अफेयर्स का सवाल है। बिहार का रैंकिंग आपको याद रखना ही है, बिहार का इंपॉर्टेंट इंडेक्स में रैंकिंग 7-8 रैंकिंग को एकदम रट लेना है। गंगा जल आपूर्ति योजना क्या बोला था, गंगा रिवर से रिलेटेड कुछ भी है एकदम तैयार कर लीजिए, कहाँ एंटर कहाँ एग्जिट, कितना शहर है, क्या ट्रिब्यूटरी है, इससे रिलेटेड सरकार का कोई स्कीम है। चलिए बिहार का अब ये आखिरी सवाल कुछ है, ठीक है, कितना बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वाला, अगेन वही, अरे मैप बनाना है, देखना है यूपी कितना टच करता है, झारखंड कितना टच करता है, ठीक है। अगले बार क्या पूछ देगा, बंगाल कितना टच कर रहा है, ठीक है, या नेपाल में कहां से हम बॉर्डर को टच करते हैं, ये पूछ देगा, और क्या पूछ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट रेलवे स्टेशन, ये टफ क्वेश्चन था,
तो ये सब तो अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये इसको तैयार करने के पीछे नहीं भागना है, इसको तैयार करने के पीछे नहीं भागना है। जैसे वो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट वाला था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उतना नहीं तैयार करेंगे यार। अगर उतना करेंगे तो फिर इसका कोई अंत ही नहीं है। और वैसे भी हमें 150 में 100 नंबर लाना है, कट ऑफ क्रॉस करना है, ठीक है। तो और 110 कट ऑफ अब जाने वाला नहीं है, ठीक है, 100 के नीचे ही रहेगा, 90 के आसपास रहेगा, 100 के आसपास, वो डिपेंड करता है पेपर पे, बट 100 से ऊपर तो नहीं जाने वाला है जब से नेगेटिव इंट्रोड्यूस किया गया पिछले बार से। तो 50 क्वेश्चन छोड़ेंगे ना, 50 नंबर नहीं चाहिए ना, हम 120 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, श्योर शॉट करेंगे, या 130 क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन तो छोड़ना है ना, तो ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन सा 20 क्वेश्चन हमें छोड़ना है। तो ये वो क्वेश्चन है जिसको छोड़ना था, मिनरल प्रोडक्शन है। ये मैंने पिछले वीडियो में और बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मैप बनाइए, लोकेट कर लीजिए, ठीक है। फल्गु रिवर के बारे में आ गया, देख लीजिए, गौतम बुद्ध को अगर आपने तैयार कर लिया है तो सारा कुछ तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, लीलाजन रिवर है, लीलांजन रिवर बोला जाता है। टी गार्डन्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है। बिहार में किस चीज़ की खेती कहाँ पे होती है, कौन सा मिट्टी कहाँ पाया जाता है, कौन सा पहाड़ कहाँ पाया जाता है, कौन सा मिनरल कहाँ पे पाया जाता है, नदी नदी का ट्रिब्यूटरी है ना, और मौसम को लिख लीजिए, लंबाई भी लिख लीजिए मैप पे ही, चौड़ाई भी लिख लीजिए मैप पे ही, गंगा के किनारे का डिस्ट्रिक्स वगैरह लिख लीजिए, यूपी कितना टच करता है, झारखंड कितना टच करता है, बंगाल कितना टच करता है, क्या MP से टच करते हैं, क्या छत्तीसगढ़ से टच करते हैं, ठीक है। तो ये सब नेपाल से क्या टच करता है, ये तैयार कर लेना है। अब ये बताइए आपको कि 4-5 पेज से ज़्यादा थोड़े ना लगेगा, 4-5 मैप लेना है, 4-5 में ये तैयार हो जाएगा। तो ये है तरीका PYQ एनालाइज करने का, मतलब ये हुआ कि ये काम करना था, ठीक है। असेंडिंग पॉपुलेशन के हिसाब से तो ये अगेन सेंसस आ गया, और सेंसस जैसे ही आए तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th, इसको भी तैयार करना है। विच फूड इंडस्ट्री डोमिनेट्स अमॉन्ग द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन बिहार, कौन सा फूड इंडस्ट्री डोमिनेट करता है, ठीक है। तो ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, कर लेना था इसको, ठीक है। रिवर वैली कोल रिजर्व कहाँ पे मिलता है, ठीक है, जब आप मिनरल करेंगे, और मैंने बोला चिड़िया माइंस जब पूछा गया था, सॉरी चिड़िया माइंस, ठीक है, चिड़िया माइंस कहाँ है, झारखंड में, क्योंकि झारखंड पहले बिहार का ही पार्ट था, तो इसका जो इंपॉर्टेंट माइंस है, कोई इंपॉर्टेंट रिवर वहाँ से आता है, झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल मिलता है, यानी कोल मिलता है, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा कोल झारखंड में है, ठीक है। कोई रिवर जो है झारखंड से निकल के बिहार में भी आती है, कौन कौन सा बॉर्डर टच करता है, ये सब तैयार कर लेना है। कब ये बिहार से अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को, तो ये फैक्ट सब तैयार कर लेना है, बस सिंपल। तो चलिए ये खत्म हो गया। 68th में जो बिहार से रिलेटेड सवाल आया था वो भी हमने डील कर लिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको समझिए और उस तरह से तैयारी कीजिए। 1 महीना बचा है, 1 महीने में भी गर्दा उड़ सकता है, अगर आप गर्दा उड़ाने के मूड में हैं तब। और हमारे तरफ से एक रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आखिरी तक आपने देखा है इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिस भी ग्रुप में आप जहां पे भी इसको शेयर कीजिए, और इतना फैला दीजिए कि आग की तरह फैल जाए।